नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ साक्षी। पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका पर गुलाब बाग के एक युवक ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। साथ ही विधायक के सुरक्षा गार्ड पर पिटाई का भी आरोप लगाया है, जिसके संबंध में युवक अनिल राम ने SC/ST में एक लिखित शिकायत थाने में भी की है। वहीं सदर विधायक विजय खेमका ने इस आरोप को बेबुनियाद और गलत बताया है। युवक अनिल राम ने कहा कि विधायक रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने महादलित टोला गुलाब बाग गए थे। इस दौरान हम लोगों ने उनसे स्थानीय समस्या को लेकर शिकायत की। इस पर विधायक जी भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। वहीं उनके गार्ड ने दो थप्पड़ मार दिए। क्या मामला है? मामला यही था कि माननीय हमारे विजय खेमका जी यहाँ पे मन की बात साझा करने के लिए प्रधानमंत्री का एक बैठक किए हुए थे, तो इसी तरह जो है का बात था। बात मन की साझा के बाद जब ख़त्म हो गई तो लोग कुछ वैक्सीन के लेके माननीय विजय खेमका जी कुछ बता भी रहे थे लोगों को, कुछ कह भी रहे थे, तो कुछ महिला लोग को आश्चर्यता भी था कि काफ़ी दिनों से, एक साल से, दो साल से किसी का राशन कार्ड नहीं बना, ना किसी को राशन नहीं मिला जा रहा है यहाँ पर। उस चीज़ को भी लेके उनको बोला गया विजय खेमका जी को कि कब तक हम लोग को राशन कार्ड बनेगा। तो बोला ठीक है, हम बात करेंगे इस चीज़ को लेकर। तो इसी तरह महिला कुछ उनको बोलें कि देखिए आप तो आते हैं यहाँ पे, सभी समाज को लल्लू पॉप थमा के चले जाते हैं, एक दो को साबुन बांट दिए, मास्क बांट दिए, चले जाते हैं। हाँ, इस तरह करने से नहीं होगा विधायक जी, हम लोग को भी कुछ देखिए और आगे कार्रवाई कीजिए। राशन कार्ड नहीं बन रहा तो कुछ कर तो दीजिए कम से कम। इसी बीच में हम माननीय विजय खेमका जी से अपील किए कि सर सब बात तो ठीक है, राशन कार्ड भी कुछ महिला लोग को नहीं मिल रहा है, और हमारे बस्ती में इतना अभी थोड़ा सा पानी पड़ने के कारण कादो काफ़ी जम जाता है, लोगों के जाने में बहुत समस्या होती है, और काफ़ी दिनों से वहाँ पे जल जमाव जमा हुआ है, सारा नाली पानी का पानी वहाँ गड्ढा में पड़ा हुआ है। अभी नहीं होता है तो आप एक बार देख सकते हैं गड्ढा में कितना पानी जमा हुआ, कितना बरस से पानी जमा हुआ है। तो हम बोले सर उनको भी कुछ निकास किया जाए, तो विजय खेमका जी एकदम, और सारे लोग भी उत्साहित थे प्रधानमंत्री जी की बातों को सुन करके। और आज सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, प्लस मेरा बूथ कोरोना मुक्त का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री जी के का पहला काल 5 साल और 2 साल पूरा हुआ, उस उपलक्ष्य में मेरा बूथ कोरोना मुक्त हो, लोग जागरूक हों, इसके लिए हम लोगों ने महादलित परिवार में जो है साबुन और जो है मास्क बांटने का भी काम किया, जागरूक करने का भी काम किया हमारे कार्यकर्ता, और वैक्सीन सारे लोग लगावें ये भी कहें। उसी में क्रम में कार्यक्रम समाप्त के बाद जो है एक कोई वहाँ स्थानीय था, वो जो है विघ्न डाल रहा था कार्यक्रम में और स्थानीय समस्या के विषय में बता रहा था, मैंने उसको भी सुना। और हमारी जो महिला बहन थी कुछ राशन कार्ड के विषय में बता रही थी, उनकी बातों को मैंने सुना कि आप लोगों की समस्या का समाधान हम लोग करेंगे, इसलिए करके एक महीने में 2 राशन फ्री लोगों को मिल रहा है। तो कुछ कठिनाई रहती है, लोगों की अपेक्षा रहती है, सारे मेरे ही मतदाता हैं। और एक ने कहा कि आपको बगल में जो बस्ती है थोड़ा वहाँ भी देख लीजिए, पानी उनी लगा हुआ है, नाला उला। हमने कहा कि चलो हम देख लेते हैं। और एक लड़का कुछ ज़्यादा बोल रहा था, तो कुछ वहाँ के स्थानीय लोग उसको डांट भी रहे थे कि अरे विधायक जी तो स्वयं जा रहे हैं देखने के लिए। और देख करके और उन लोगों को मैंने आश्वस्त किया कि जो भी स्थानीय कठिनाई होगी, जो कठिनाई है उसको हम लोग दूर करेंगे, लेकिन आप वैक्सीन लगाइए, आप मास्क लगाइए, साबुन से हाथ धोइए, कोरोना से सावधान रहिए, और मन की बात में जो प्रधानमंत्री जी ने कही है उसको हम लोगों ने सुना है। उन्होंने भी कहा है कि कोरोना से बचने के लिए दवाई भी और कड़ाई भी, तो इन चीज़ों का पालन कीजिए। और उसके बाद मुझे आज एक अन्य जो महादलित टोला है, भोगा भरगामा भोगा करियात पंचायत का रजक टोला है छतिया के नज़दीक, वहाँ पर वैक्सीनेशन केंद्र का कार्यक्रम था, वहाँ लोगों को जागरूक करना था, वहाँ पर मैं जा कर के उन लोगों को घर घर जागरूक किया। 45+ के लोग जो ये केंद्र है इस पर आप वैक्सीन लीजिए, इसलिए कि वहाँ मेरे सामने में किसी भी प्रकार की कोई घटना वहाँ पर नहीं हुई, कोई प्रकार की बात नहीं।